मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा दसवीं से संबंधित जो पाठ गद्य भाग से पाठ संख्या 8, जिसका शीर्षक है कारतूस। कारतूस यानी पीतल या दप्ती की बनी खोल, जिसमें बारूद और लोहे के टुकड़े भरकर बंदूक या तमचे से फायर किया जाता है, उसे हम कारतूस कहते हैं। तो लगातार 3 वीडियो के अंतर्गत हमने कारतूस का जो है विस्तृत अध्ययन किया। आज हम उसी पाठ के संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। कारतूस के लेखक हैं हबीब तनवीर, और जहां तक पाठ का सार है, यहां पर अंग्रेजी कर्नल और लेफ्टिनेंट का डेरा जो खेमा डाले हुए हैं, उनकी बातचीत को यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद वज़ीर अली द्वारा कंपनी के वकील की हत्या, जो किस प्रकार उन्होंने हत्या की और उनका इरादा क्या था कि भारत को जो है अंग्रेज़ों से भगाना, और उसके बाद भारत को स्वतंत्र कराने की योजना जो है वज़ीर अली की थी, जो अंग्रेज़ की हुकूमत को मिटाने की कोशिश थी, इसीलिए अंग्रेज उसे पकड़ने में जो है लगे हुए थे। वज़ीर अली का अंग्रेज़ी छावनी में आना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वज़ीर अली को पकड़ने के लिए कितने दिनों तक उन्होंने खेमा यानी डेरा डाला हुआ था, और फिर भी वज़ीर अली जो है उनको नहीं मिलता है। एक दिन वो अचानक उनकी छावनी, जो कर्नल और लेफ्टिनेंट थे, उनकी छावनी में जाकर उनसे ही कारतूस को जो है 10 कारतूस को लेकर आता है, और नाम पूछने पर कर्नल को बताता है कि मैं ही वज़ीर अली हूँ, कहते हुए वहाँ से जो है निकल जाता है। तो इस तरह उसकी जो कारनामे हैं, वीरता है, जो शौर्य है, वह यहाँ पर दर्शाया गया है तनवीर हबीब ने। तो अब हम जो है इसके हबीब तनवीर ने जो यहाँ पर इस प्रकार वर्णन किया है, अब हम इसके पाठ के प्रश्नोत्तर पर हम अभी समग्र चर्चा करेंगे। बहुत ही अच्छी जो है यह नाटक के रूप में, एकांकी के रूप में कह लीजिए, एक अच्छी जो है यहाँ पर कहानी आपको जो ऐतिहासिक कहानी देखने को मिली। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो 1-2 पंक्तियाँ यहाँ पर 1 या 2-3 लाइन में या सरल वाक्यों में इसका उत्तर लिखना होता है। कर्नल कालिंज का खेमा जंगल में क्यों लगाया हुआ था? तो आपको पाठ पढ़ाते समय पता है कर्नल कालिंज जो है किस लिए खेमा डाले हुए, तो इसका उत्तर इस प्रकार है। कर्नल कालिंज वज़ीर अली को गिरफ्तार करने के लिए जंगल में खेमा डाले बैठा था, पूरी फौज उसके साथ थी। तो देखिए, कर्नल वज़ीर अली को पकड़ने के लिए, वहाँ पर गिरफ्तार करने के लिए जंगल में जो है खेमा डाला हुआ था, उसके साथ साथ पूरी फौज उसके साथ थी। यही इस तरह उसका जो है उत्तर आपको लिखना होगा। तो अगला प्रश्न है, वज़ीर अली से सिपाही क्यों तंग आ चुके थे? वज़ीर अली से क्योंकि वह मिलता नहीं था, यह आपको कथा के समय पता है। वज़ीर अली को सिपाही को क्यों तंग किया था? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, वज़ीर अली ने कई बरसों से अंग्रेज़ों की आंखों में धूल झोंक कर उनकी नाक में दम कर रखा था। वज़ीर अली जो है अंग्रेज़ों को बहुत ही वांटेड हो गया था, नाक में दम भी किया हुआ था, इसीलिए वे वज़ीर अली से तंग आ चुके थे। एक संवाद में आप कैसे
देख सकते हैं कि कर्नल लेफ्टिनेंट ने कर्नल को कहा था कि यहाँ पर जो सिपाही भी हैं अभी वो ऊब चुके हैं ऐसे, ठीक है। तो तीसरा जो एक दो पंक्तियों में उत्तर लिखने वाला तीसरा क्वेश्चन है, कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए क्यों कहा? तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए, पॉज करते हुए इन क्वेश्चन के आंसरों को लिखना है आपको। कर्नल ने सवार पर नज़र रखने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि धूल के उड़ने से उसने अंदाज़ लगाया कि लोग ज़्यादा हैं और वज़ीर को ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, जैसे ही धूल आता है तो उन्हें लगता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं, इसीलिए नज़र रखने के लिए कहता है। तो अगला प्रश्न है, सवार ने क्यों कहा कि वज़ीर अली की गिरफ़्तारी बहुत मुश्किल है? वज़ीर अली के सवार जो है, सवार आपको पता है, पूरी कहानी आपने पढ़ चुकी है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सवार खुद वज़ीर अली था जो कि बहुत बहादुर था और शत्रुओं को ललकार रहा था। तो इस तरह इसका उत्तर जो है आप लिखना है। तो इस प्रकार जो है एक दो वाक्यों के जो प्रश्नों के उत्तर है उस पर हमने चर्चा की। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। आपको यहाँ पर 25 से 30 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, वज़ीर अली के अफसाने सुनकर कर्नल को रॉबिन हुड की याद क्यों आ जाती है? जब जब खेमा डाले हुए थे गोरखपुर के जंगलों में, तब उसी बीच कर्नल और लेफ्टिनेंट बाहर आकर आपस में बातें कर रहे थे। तो किस प्रकार रॉबिन हुड की याद क्यों आती है? इसका उत्तर इस प्रकार है, वज़ीर अली रॉबिन हुड की तरह साहसी, हिम्मत वाला और बहादुर था। वह भी रॉबिन हुड की तरह किसी को भी चकमा देकर भाग जाता था। वह अंग्रेज़ सरकार की पकड़ में नहीं आ रहा था, वज़ीर अली, ठीक है। कंपनी के वकील को उसने मार डाला था। उसकी बहादुरी के किस्से सुनकर ही कर्नल को रॉबिन हुड की याद आती है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, शहादत अली कौन था? उसने वज़ीर अली की पैदाइशी को अपनी मौत क्यों समझा? देखो, शहादत अली जो है अवध के राजा थे, तो वज़ीर अली को उन्होंने पैदाइशी अपनी मौत को कहा क्योंकि इसका उत्तर इस प्रकार है, शहादत अली वज़ीर अली का चाचा, वज़ीर अली का चाचा यानी जो पिताजी के भाई, ठीक है, और नवाब आसिफ उद दौल का भाई था। जब तक आसिफ उद दौल के कोई संतान नहीं थी, शहादत अली की नवाब बनने की पूरी संभावना थी, इसीलिए उसे वज़ीर अली की पैदाइशी उसकी दुश्मन उसकी मौत लगी। इस तरह आपको इसका उत्तर लिखना है। आगे है अगला प्रश्न तीसरा, शहादत अली को अवध के तख्त पर बिठाने के पीछे कर्नल का क्या मकसद था? मकसद यानी इरादा कह लीजिए। तो देखेंगे इसका उत्तर इस प्रकार है, शहादत अली आराम पसंद अंग्रेज़ों का पिट्ठू था। यानी शहादत अली जो है केवल आराम ऐशारामी जीवन चाहता था। अंग्रेज़ कर्नल को उसे तख्त पर बैठाने का मकसद अवध की धन संपत्ति पर अधिकार कराना था। केवल उसे नाम के वास्ते बटाकर पूरा जो है अवध की संपत्ति जो है वह अंग्रेज़ लूटने वाले थे। उसने अंग्रेज़ों को आधी संपत्ति और 10 लाख रुपए दिए। इस तरह शहादत
अली को गद्दी पर बैठने से उन्हें लाभ ही लाभ था, इसीलिए वह जो है उनको गद्दी पर बटाया जाता था। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न का उत्तर। कंपनी के वकील का कत्ल करने के बाद वजीर अली ने अपनी हिफाजत कैसे की? ठीक है, तो कंपनी के वकील ने जो है उन्हें खरी खोटी सुनाई तो वह वकील को खंजर से मार डालता है, उसके बाद वह कैसे बच कर आया? इसका उत्तर इस प्रकार है, कंपनी के वकील की हत्या करने के बाद वजीर अली आजमगढ़ भाग आया, आजमगढ़, ठीक है, और वहाँ के नवाब ने उसकी सहायता की। वहाँ के नवाब जो हैं उन शासन जो है उनकी उसकी सहायता की, उसे सुरक्षित घाघरा पहुँचा दिया। घाघरा जो है स्थल को उसने जो आजमगढ़ के नवाब ने उसे घाघरा पहुंचा दिया सुरक्षित। तब से वह वहाँ के जंगलों में रहने लगा। घाघरा के जंगल में जो है वजीर अली रहने लगा, उसे वहाँ पर सुरक्षित महसूस होने लगी। इस तरह जो है चौथा प्रश्न का उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे जो इस प्रकार है, सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का रह गया? सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का, यानी हक्का बक्का यानी आश्चर्य चकित कैसे रह गया? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, सवार वजीर अली था, वह कर्नल के खेमे में कारतूस लेने आया था। देखिए कितना उसकी जो शौर्य है आप देख सकते हैं, उसकी निडरता को देख सकते हैं। कारतूस लेने वह खुद कर्नल के खेमे में आया था और बड़ी चतुराई से वजीर अली का कर्मचारी बनकर आया। देखो वजीर अली का कर्मचारी बनकर उसका सेवक बनकर आया था। जाते समय कर्नल ने नाम पूछा तो उसने वजीर अली बताया। देखिए उसे जब कर्नल को बताया कि मैं वजीर अली को मारना चाहता हूँ इसीलिए कारतूस मुझे चाहिए, ऐसे उसने कहा था। तब कर्नल ने 10 जो है कारतूस को उसे दे दिया था। उसके बाद तुरंत बाद कर्नल ने नाम पूछा तो उसने वजीर अली बताया था। वजीर अली को सामने देखकर कर्नल जो है हक्का बक्का रह गया और उसके आंखों के सामने से ही वह ओझल हुआ, लेकिन कर्नल जो है उसे पकड़ नहीं सका और उसकी बहादुरी से वह जो है हक्का बक्का रह गया था। जब लेफ्टिनेंट उसे पूछने आता है तो वह कौन था, तो वह कहता है, कर्नल दबी आवाज़ में कहता है कि वह एक जाबाज था। तो इस तरह जो है एक जाबाज सिपाही था, इस तरह कहते हैं। तो सवार के जाने के बाद कर्नल क्यों हक्का बक्का हो गए, इसका हमने जो है विस्तृत अध्ययन किया। तो आज हमने प्रश्नोत्तर के संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो पंक्तियों के उत्तर, जो चार प्रश्नों के उत्तर हमने विस्तृत अध्ययन किया, उसके साथ दूसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए, यहाँ पर 5 प्रश्न थे उसका हमने विस्तृत अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम 50 से 60 शब्दों में जो है प्रश्नों के उत्तर को चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ आशय स्पष्ट करेंगे कुछ प्रश्नों के, उसके बाद जो है व्याकरण भाग को भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और जितना भी मैंने यहाँ पर आपको जो है वाइवा टेस्ट है और मंथली टेस्ट है, इसके लिए जो है मैं थोड़ा पृथक पृथक भाग जो है आपको प्रश्नोत्तर में भी
थोड़ा जो ज्ञान आपके जो है दिमाग में जो है सही ढंग से जाए, इसीलिए पृथक पृथक पढ़ा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर प्रश्नोत्तर आपको विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में लिख कर रखिए। तो इस तरह आज हमने जो है प्रश्नोत्तर का आधा भाग का विस्तृत अध्ययन किया। अगले भाग का हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।